दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ नए फीचर्स के बारे में, जिसे व्हाट्सएप ने ऐड किया अपने व्हाट्सएप ऐप में, जो कि काफी कमाल का और काफी कूल फीचर है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चार फीचर्स कौन कौन से हैं और आप इनको यूज कैसे कर सकते हो, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब, देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम वन बाय वन करके इन फीचर्स के बारे में समझते हैं डिटेल में कि इसको यूज़ कैसे करना है। देखो, सबसे पहला फीचर निकल कर आता है सिक्योरिटी का। अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप कौन नहीं यूज़ करता। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग जो है व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, हम सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो ऐसे में हमारे जो मैसेजेस होते हैं, प्राइवेट फोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी को नहीं दिखाना चाहते, बिना हमारे परमिशन के कोई एंटर नहीं करना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जरूर सोचेंगे कि यार उसमें काफ़ी खास, अगर हम उसमें पासवर्ड लगा दें या फिर उसको लॉक कर दें। तो इस फीचर को जो है व्हाट्सएप ने इनेबल कर दिया है। अब जो है आप उसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए जो है सीधा आपको व्हाट्सएप पे जाना है और यहाँ ऊपर से राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे आना है। जब इस पे आएंगे तो सबसे नीचे आपको सेटिंग दिख रहा है, इस पे आपको आना है। जब सेटिंग पे आप आ जाओगे, उसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है। अकाउंट पे जब मैं आ जाऊँगा, उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा है प्राइवेसी, इस प्राइवेसी पे आपको आना है। जब प्राइवेसी पे आप आ जाओगे तो सबसे नीचे जाओगे तो आपको लिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट लॉक, ठीक है, इस वाले को मैं टच करता हूँ। तो मैंने फिलहाल अभी ऑन कर रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर आप एक ऑप्शन पढ़ो, अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, ठीक है, अभी ये ऑन है, मैं इसको ऑफ कर दिया, अब कोई फिंगरप्रिंट लॉक इसमें नहीं है। अभी मैं इसको ऑन जैसे ही करता हूँ तो ये मेरे से करा, अपना हाथ डालो, अपना फिंगरप्रिंट दो और कन्फर्म करो। मैंने फिंगरप्रिंट दिया, देखो ये कन्फर्म हुआ, ये लॉक हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको तीन सेटिंग मिलता है, तीन ऑप्शन, पहला है इमीडिएटली, दूसरा है आफ्टर 1 मिनट, तीसरा है आफ्टर 30 मिनट। अब इनका क्या मतलब है, इमीडिएटली का मतलब होता है जैसे ही आपका डिस्प्ले का लाइट ऑफ होगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। 1 मिनट का मतलब होता है डिस्प्ले का लाइट से कोई मतलब नहीं है, 1 मिनट होगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और तीसरा वाला भी सेम है, आधे घंटे के बाद वो जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे अब दूसरे फीचर की। तो दूसरा फीचर जो है यहाँ पे है डार्क मोड का। अब होता है क्या है ना कि हम व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात रात भर चैट करते हैं या फिर रात को मैक्सिमम टाइम चैट करते हैं, ठीक है, तो उनके आंखों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो है व्हाट्सएप ने डार्क मोड जो है इनेबल कर दिया है। और आप जो है आप इसको अंधेरे में भी यूज़ कर सकते हैं, रात को भी यूज़ कर सकते हैं, आपके आंखों को जो है इफ़ेक्ट नहीं करेगा। फिलहाल जो है ये अपडेट फिलहाल अभी सभी को मिल रहा है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल नहीं मिला है, ये मैंने अपने एक फ्रेंड के फ़ोन में देखा था, तो ये जो अपडेट उसको मिल चुका है। तो ये नेक्स्ट अपडेट के बाद हो सकता है आपको भी मिल जाए। तो इसके लिए कोई प्रूफ मेरे पास तो है नहीं कि मैं दिखा दूँ, क्योंकि मेरे पास खुद अपडेट अभी नहीं आया है। मुझे भी अपडेट मिल जाएगा और आपको भी ये जल्दी अपडेट मिल जाएगा। तो तीसरा अपडेट जो है यहाँ पे वो है कॉलिंग से रिलेटेड। इसमें होता क्या है, मैं व्हाट्सअप कॉल पे हूँ और अभी मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ, इस पर देखता हूँ कि क्या मेरा व्हाट्सअप कॉल कट जाता है या फिर इस पर कॉल आता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी नॉर्मल कॉल से कॉल किया है और मेरा व्हाट्सअप कॉल भी कंटिन्यू है और ये नॉर्मल कॉल भी मेरे कॉल फ़ोन पे जो है आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कॉल नहीं कटेगा और आपको ये पता चल पाएगा कि आपका कोई दूसरा कॉल भी आपको आ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि व्हाट्सअप कॉल कट जाता था ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस फीचर को व्हाट्सअप ने जो है ऐड किया। आप वो डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर मेरा लिख रहा है इनकमिंग कॉलिंग, टैप टू कॉल। और अब बात करते हैं चौथे फीचर की। जो चौथा फीचर है वो है ग्रुप मैसेज को लेकर। पहले क्या होता था कि आपको कोई भी जो है ग्रुप में बिना आपके परमिशन के डाल देता था, लेकिन अब जो है आपको वो कोई भी आपके बिना परमिशन के नहीं डाल सकता। जब तक आप अलाउड नहीं करोगे तब तक आपको वो नहीं डाल सकता। कैसे, क्या करना है, तो इसको करने के लिए आपको जो है हाँ ऊपर साइड में 3 डॉट है, इस पे आना है। उसको नीचे आपको दिख रहा है सबसे लास्ट वाले में सेटिंग, इस वाले पे आना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आपको फिर से प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आना है सबसे ऊपर, उसके बाद हल्का सा नीचे आना है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में आपको टच करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एवरी वन माई कॉन्टैक्ट्स और माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट। इसका क्या मतलब होता है कि अब जो है ग्रुप में बिना आपके परमिशन के ऐड नहीं कर सकता। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। पहला होता है एवरी वन का मतलब होता है कि कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। दूसरा माई कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है कि सिर्फ वो लोग आपको ऐड कर पाएंगे जो आपके कॉन्टैक्ट में है। और तीसरा ऑप्शन होता है वो लोग आपको ऐड कर पाएंगे जो आप जिसको स्पेसिफिक बंदे को आप सेलेक्ट करके रखोगे।
एक बंदा, दो बंदा, पांच बंदा, जिस भी लोगों को आप सेलेक्ट करके रखोगे वही बंदा आपको ऐड कर सकता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये था व्हाट्सएप का चार नया फीचर। आने वाले टाइम में और भी काफी कमाल के फीचर्स आप लोगों को आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ, उनको भी बताओ यार कि ये फीचर्स वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों अगर आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।